नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में अरविंद केजरीवाल। फॉर्च्यून पत्रिका ने दुनिया के 50 महानतम नेताओं की अपनी सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल किया है। केजरीवाल इस सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता हैं। पहला स्थान अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को मिला है। फॉर्च्यून की तीसरी सालाना वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की सूची में दुनिया भर से कारोबार, सरकार, परामर्श कार्यों और कला के क्षेत्र की उन चुनिंदा हस्तियों को शामिल किया गया है जो दुनिया बदल रहे हैं और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। केजरीवाल को इस सूची में 42वां स्थान मिला है। फॉर्च्यून ने केजरीवाल को नई दिल्ली की सड़कों पर सम विषम योजना के तहत वाहन संख्या सीमित कर प्रदूषण रोकने के उनके प्रयासों के लिए सूची में शामिल किया है। महिलाओं के शौकीन हैं शशि थरूर, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। हाल ही में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना भगत सिंह से करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। कैलाश ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर महिलाओं के शौकीन हैं। उन्होंने कहा कि थरूर को कन्हैया में भगत सिंह दिख रहे हैं तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है। कैलाश ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां नेतृत्व विहीन हो गई हैं। इन पार्टियों के पास अब भीड़ जुटाने वाला कोई नेता नहीं बचा है, इसलिए कन्हैया में उन्हें नेता नजर आ रहा है। हेडली ने कहा, अमेरिका में शिवसेना के लिए चंदा जुटाने के लिए एक कार्यक्रम की व्यवस्था की थी। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी और 26/11 हमले के अहम गवाह डेविड कोलमैन हेडली ने शुक्रवार को मुंबई की अदालत के समक्ष दावा किया है कि उसने अमेरिका में शिवसेना के लिए चंदा जुटाने की खातिर एक कार्यक्रम की व्यवस्था की थी और उसकी योजना तत्कालीन पार्टी सुप्रीमो बाल ठाकरे को उस आयोजन में बुलाने की थी। हेडली ने अदालत को बताया कि बचपन से ही उसमें भारत और भारतीयों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी और तब से ही वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने यह भी कहा कि जब मेरे पिता की मौत हुई थी तब 26 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी मेरे घर आए थे। मलेशियाई समुद्री सीमा में घुसी 100 चीनी नौकाएं। चीन की करीब 100 नौका और जहाज दक्षिण चीन सागर में लुकोनिया शेल्स के पास मलेशिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ करते देखे गए। मलेशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री शाहिदा कासिम ने इसकी जानकारी दी। कासिम ने कहा है कि मलेशियन मैरिटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी एवं नौसेना स्थिति की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चीन की नौकाओं ने मलेशिया के आर्सिक जोन में घुसपैठ की होगी तो इस पर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि चीन लंबे समय से दक्षिणी चीन सागर के ज्यादातर हिस्सों पर अपना दावा जताता आया है। क्रूज के विज्ञापन में ट्रंप की पत्नी की निर्वस्त्र तस्वीर से मचा बवाल। राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप और पार्टी के उनके निकटतम प्रतिद्वंदी टेड क्रूज के बीच राजनीतिक जंग घटिया स्तर तक गिर चुकी है और दोनों एक दूसरे की पत्नियों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका की राजनीति में इस तरह की चीजें दुर्लभ दिखती हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब क्रूज का प्रचार करने वाली राजनीतिक मामलों की एक समिति ने ट्रंप की पत्नी मेलानिया की निर्वस्त्र तस्वीर के साथ एक विज्ञापन दिया। जवाब में ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया तथा क्रूज की पत्नी हीदी की तुलना करते हुए एक तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। क्रूज ने हालांकि विज्ञापन के पीछे अपनी किसी भूमिका से इनकार किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।